भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान भूखा मरने लगा है। सऊदी अरब ने मदद पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब उसे तगड़ा जवाब मिल गया है और वो पैसे देने के लिए अपने जिगरी दोस्त चीन से ही लोन लेने लगा है। वाह, नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पैसों की खातिर पाकिस्तान पहले सऊदी अरब की चाकरी कर रहा था और अब चीन का गुलाम बन बैठा है। एक साथ दो मालिकों की सेवा करने के चक्कर में सऊदी अरब से उसके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए हैं और सऊदी अरब ने उसे मदद देने से भी इनकार कर दिया है। यानी इमरान के हाथ में कटोरा आ ही गया। कंगाली की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान अब कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $3 बिलियन कर्ज के बदले $1 बिलियन की राशि वापस की है। इस कर्ज की अदायगी के लिए पाकिस्तान को $1 बिलियन की राशि उसके सदाबहार दोस्त चीन ने दी थी। वहीं कश्मीर पर साथ न देने से चिढ़े पाकिस्तान ने सऊदी को धमकी भी दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर मुद्दे को लेकर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं OIC से कहना चाहता हूं कि विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक हमारी अपेक्षा है, अगर आप इसे बुला नहीं सकते तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से ये कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वो ऐसे दूसरे इस्लामिक देशों की बैठक बुलाएं जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हैं। बस इसी धमकी के बाद सऊदी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। सऊदी ने पाकिस्तान से अपना वित्तीय समर्थन वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालिया बर्ताव के कारण सऊदी ने अपने वित्तीय समर्थन को वापस भी ले लिया है। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 बिलियन की नगद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ, हर कोई जानता है। और अब दिखाते हैं पाकिस्तान की भुखमरी। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण इस साल जून तक बढ़कर 37,500 अरब पाकिस्तानी रुपए या GDP का 90% हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा, जो संघीय राजस्व बोर्ड के अनुमानित कर संग्रह का 72% है। 2 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार सत्ता में आई थी, तब सार्वजनिक ऋण 24,800 लाख करोड़ रुपए था, जो तेजी से बढ़ रहा है। और अब पाकिस्तान को पता चल चुका होगा कि भारत से पंगा लेने का मतलब यह है दुनिया आपको भी नहीं छोड़ेगी। और आप इस्लामिक देश का हवाला देकर सऊदी अरब को घेर रहे थे, उसने ही झटका देना शुरू कर दिया। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।